الحمد لله رب العالمين. कहते जी कि अगर शिया काफिर हैं तो फिर हरम में क्यों आते हैं? आप उनके पासपोर्ट में लिखवा दिया करें शिया हैं, बंद कर दें। अगर आपने मुसलमान लिख के भेजा है तो हम क्या करें? हम कैसे उनको रोक सकते हैं? हमारे पास कोई ऐसी एक्सरे नहीं है जैसे हीरोइन पकड़ लेते हैं, कोकीन पकड़ लेते हैं, नशा पकड़, ऐसे ये तो नहीं पकड़ सकते काफिर है या मुसलमान है। हमने पासपोर्ट देख रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम। आप वो कादियानी भी हो किसी को क्या पता, शिया भी हो किसी को क्या पता है, खारजी हो क्या पता है, मोतदली हो क्या पता है। कई हिंदू मुसलमान बन के आए और काबे की वजीरे की ज्यादा करके चले गए, किसी को मिनिस्टर साथ ले आए, किसी को वजीर साथ ले आए, अपनी गाड़ी में बैठाया, झंडी लगी हुई है, हिंदू बैठा है मुसलमान बैठा है, कौन रोकेगा? ये हमारा गुनाह है उनका नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखो कि लफ्ज शिया जिस पे आ जाए वो काफिर हो, ये बात गलत है। काफिर वो हैं जो इस कुरान के मुनकर हैं, काफिर वो हैं जो सैयदा आयशा सिद्दीका पर अब भी तोहमत लगाते हैं, काफिर वो हैं जो सोहबत सैयदना अबी बकर के मुनकर हैं, वो तो पक्के काफिर हैं, क्योंकि सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़िताल्हु कुफ्र। लेकिन शिया में तो सैकड़ों किस्में, शिया में सैकड़ों किस्में हैं, सारे तो काफिर नहीं हैं। तो इसलिए भी उनको मजमूई तौर पे काफिर नहीं कहा जा सकता। बाकी मेरा भाई जो तहरीकें चलती हैं ना, दुआ करो अल्लाह पाक उनके कायदीन को फहम अता फरमाए, इल्म अता फरमाए, हिदायत के फैसले अता फरमाए। ठीक है, एक होता है जज्बा,